प्रतिशोध का दावा बकवास, विशेष न्यायाधीश एम एच आजमी ने फटकारा। विजय माल्या ने उसके विरुद्ध जारी कार्रवाई को गलत सिद्ध करने के लिए मेरे विरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध से कार्रवाई की जा रही है, ऐसा बयान बनाया था। विशेष न्यायाधीश एम एस आजमी ने विजय माल्या के उस बयान को खारिज कर दिया है। इस पर उन्होंने कहा है कि उसके इस तर्क को उसके ब्रिटेन में रहने का आधार नहीं माना जा सकता। विजय माल्या भारत की कई बैंकों का करोड़ों रुपए का कर्ज डुबा कर ब्रिटेन में रह रहा है। न्यायाधीश आजमी ने 55 पन्नों के आदेश में विजय माल्या को आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा, विजय माल्या का इस संबंध में तर्क देकर खुद को कानून का पालन करने वाले नागरिक के तौर पर पेश करना कपोल कल्पना मात्र है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकला जा सकता कि उसे आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित नहीं किया जाना चाहिए। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि माल्या ने इस संबंध में कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिससे यह साबित होता हो कि उस पर आरोप लगाकर क्या राजनीतिक फायदा मिल रहा है या उसे क्यों अपराधी बनाया जा रहा है। यह बयान केवल कल्पना के आधार पर है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड।